एवरीवन, वेलकम बैक टू अनूस किचन चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी लड्डू, जो कि हम बिना गैस जलाए बनाएंगे और बहुत इजी रेसिपी है, आप इसको बहुत ही जल्दी बना पाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम अपनी रेसिपी तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 1 कप कोकोनट, ये हमने डेरी मिल्क लिए हैं, 2 छोटी वाली हैं ये, और हमने इसको रूम टेम्परेचर पे मेल्ट कर लिया है। और ये हमने 2 चम्मच लिया है मिल्क पाउडर, और यहाँ पे हमने 2 चम्मच ही लिया है, ये है पिसी हुई चीनी। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कोकोनट, और ये फिर हमारा ये मिल्क पाउडर, पिसी हुई चीनी, ये हमने आधा कटोरी दूध लिया है, ये बिल्कुल ठंडा दूध लेना है आपको। और यहाँ पे हम थोड़ा सा डालेंगे इलायची पाउडर, और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसको एक डो की तरह गूंदेंगे। हमारा डो बन के तैयार हो चुका है, अब हम इसके 2 पोर्शन कर लेंगे और 1 पोर्शन को हम अलग रख लेंगे, और जो दूसरा पोर्शन है इसमें हम अपनी चॉकलेट डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमारे दोनों डो बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ये कैडबरी वाला और ये प्लेन वाला। तो अब सबसे पहले हम ये प्लेन वाले की छोटी सी बॉल बनाएंगे, इस तरीके से हमें छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। और अब हम इसको कैडबरी वाला लेंगे डो में से, और इसको धीरे धीरे फैलाना है, इस तरीके से। और फिर हम इसको बीच में रख देंगे और इसको बंद कर देंगे। इसमें हमने गैस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, और ये बहुत ही इजीली जल्दी बन जाती है, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये लड्डू। ये देखिए, ये कितना अच्छा लग रहा है और कितना टेस्टी बना है ये, और बहुत टेस्टी बनता है ये लड्डू। अरे, लड्डू बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने वर्क लिया है, इसको हल्का हल्का इस पर लगा देंगे, ये स्पून से लगा रहे हैं हम इस पर, और इसको थोड़ा सा हम इसके ऊपर पिस्ता रख देंगे। और ये देखिए, ये कितने अच्छे लग रहे हैं, आप अपने घर में इसको ज़रूर बनाइए। नो कुकिंग रेसिपी है ये, इसमें आपको कोई भी कुकिंग नहीं करनी है, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप इसको अपने घर पे ज़रूर बनाइए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगे ये लड्डू। थैंक यू।